शेरवानी की स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड में ओवरलैप करने के लिए जो साइड नीचे की तरफ आएगी इसमें हमने यहाँ से सिंपल नेट का इजाफी मार्जिन लिया था, तो इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे इसको जॉइन करेंगे और फिर दोबारा इस तरह से टर्न करते हुए यहाँ पे हम लाइनिंग को जॉइन करेंगे इस तरह से, और 2 इंच हम घेरे की साइड से कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए यहाँ पे लाइनिंग को इस तरह से जॉइन करेंगे दोनों साइड्स में, और सिलाई हम दोनों साइड्स में अंदर की तरफ लगाएंगे। व्यूज़ हमने सिंपल नेट को अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ पे हेम कर लिया है। अब हम लाइनिंग को इस तरह से जॉइन करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पे घेरे की साइड से हमने 2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से टर्न लेंगे और फिर लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ हमने लाइनिंग को यहाँ पे फ्रंट साइड में और घेरे की साइड में जॉइन कर लिया है। व्यूज़ यहाँ से हम इजाफी कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको सुई धागे से हम कर देंगे। व्यूज़ हमने फ्रंट पार्ट की एक साइड के साथ लाइनिंग को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमने सुई धागे से लाइनिंग को स्टिच किया है ताकि लाइनिंग अपनी जगह पे सेट रहे, और इसी तरह से अब हम फ्रंट पार्ट की दूसरी साइड के साथ लाइनिंग को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने नेट को डबल करने के बाद यहाँ पे हमने सुई धागे से इसको स्टिच किया है और अब हम इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसके साथ लाइनिंग को इस तरह से जॉइन करेंगे, और यहाँ तक स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर टर्न लेंगे और यहाँ घेरे की साइड से लाइनिंग को अटैच करेंगे। व्यूज़ अब हम लाइनिंग को इस तरह से नेट के साथ सेट करेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
व्यूज हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है और यहाँ हम इसको सुई धागे से स्टिच करेंगे ताकि लाइनिंग अपनी जगह पे सेट रहे। और यहाँ पे हम इजाफी नेट को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से सुई धागे से स्टिच करेंगे। व्यूज़ हमने बैक पार्ट की लाइनिंग को भी घेरे की साइड से सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस साइड को इस तरह से टर्न करेंगे। और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट की दोनों साइड्स को हम इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से दोनों साइड्स को सेट करते हुए हम इस तरह से इसको सेट करेंगे। और गले पे हमें बैंड कॉलर अटैच करना है, तो उसके लिए हम गले की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच तक लेंगे और बैक गले को भी हम 1/2 इंच तक कट करेंगे। व्यूज़ हमने गले की कटिंग कर ली है, अब हम तीरे को स्टिच करेंगे। व्यूज़ अब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे, तो सबसे पहले हम नेट पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद लाइनिंग को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। व्यूज़ अब हम लाइनिंग के दोनों पार्ट्स को इस तरह से टर्न करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ इस तरह से सिलाई को खोलने के बाद अब हम यहाँ से लाइनिंग और नेट को जॉइंट करेंगे ताकि लाइनिंग अपनी जगह पे सेट रहे। तो यहाँ पे हम इसको सुई धागे से स्टिच करेंगे। व्यूज़ हमने तीरे को जॉइन कर लिया है, अब हम यहाँ आर्म होल पे नेट और लाइनिंग को जॉइन करने के लिए यहाँ ऊपर एक बड़े स्टिचेस की सिलाई लगाएंगे।
व्यूज यहाँ आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ अपनी फिटिंग के हिसाब से सबसे पहले नेट के दोनों पार्ट्स को इस तरह से पकड़ते हुए साइड सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम लाइनिंग को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ। तो व्यूज यहाँ पे हमने 1.5 इंच कपड़े को ओपन छोड़ा था, यहाँ पे हमने सिलाई निकाल दी थी। अब हम नेट के दोनों पार्ट्स को इस तरह से पकड़ते हुए अपनी फिटिंग के हिसाब से साइड सिलाई लगाएंगे। व्यूज अब हम लाइनिंग को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए व्यूज ये हमने एक तरफ की साइड सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी साइड सिलाई लगाएंगे। व्यूज अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम नेट की स्लीव और लाइनिंग की स्लीव दोनों पे अलहदा अलहदा से साइड सिलाई लगाएंगे। व्यूज हमने दोनों स्लीव्स को उल्टी साइड में टर्न किया है। अब हम दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों की साइड सिलाई से साइड सिलाई मैच करेंगे और यहाँ पे कलाई की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
व्यूज यहाँ हम इसको पिनअप करेंगे और अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूज़ अब हम लाइनिंग की स्लीव को इस तरह से नेट की स्लीव के ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूज़ हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है, अब हम इसको शेरवानी के साथ अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम इसको टर्न करके सीधा करेंगे। व्यूज़ अब हम स्लीव्स को शेरवानी के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट की स्लीव को शेरवानी से अटैच करेंगे और लाइनिंग की स्लीव्स को इसके अंदर इस तरह से अलहदा कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टी साइड में टर्न करेंगे और साइड सिलाई से साइड सिलाई मैच करते हुए हम इस तरह से यहाँ पे पिन अप करेंगे। और इसी तरह से सेंटर मैच करते हुए यहाँ भी पिनअप करेंगे।
व्यूज़ ये हमने नेट की स्लीव को शेरवानी के साथ अटैच कर लिया है। अब हम अंदर से लाइनिंग की स्लीव को इस तरह से बाहर की तरफ इस सिलाई के मार्जिन के ऊपर इस तरह से टर्न करते हुए इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए हम यहाँ पे इसको सुई धागे से हेम करेंगे। व्यूज़ अब हम चाक को हेम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉर्नर पे कट लगाएंगे और नेट और लाइनिंग को इस तरह से टर्न करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा गैप रहेगा उसको हम सुई धागे से हेम करेंगे। व्यूज़ हमने दोनों साइड्स को अंदर की तरफ से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप है इसको हम सुई धागे से इस तरह से हेम कर देंगे। व्यूज़ ये हमने चाक की एक साइड को रेडी कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी रेडी करेंगे। व्यूज़ अब हम गले के लिए पैन कॉलर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को इस तरह से पकड़ते हुए हम फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे।
से गले का साइज लेते हुए हम फ्यूजिंग की कटिंग करेंगे। व्यूज हमारा गला थोड़ा राउंड शेप में है तो हम राउंड शेप में फ्यूजिंग की कटिंग करेंगे। व्यूज़ अब हम इस निशान से 1 इंच के फासले पे यहाँ ऊपर निशान लगाएंगे। इस निशानों को आपस में मिला देंगे। और यहाँ से हम इस तरह से शेप बनाएंगे। व्यूज़ अब हम इस पैन कलर को कपड़े पे चिपकाएंगे। व्यूज़ अब हम नेट की कटिंग करेंगे। व्यूज़ हमने नेट की कटिंग कर ली है, अब हम बैन को स्टिच करेंगे। व्यूज़ हमने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब हम बैन को टर्न करेंगे इस तरह से। व्यूज़ अब हम बैन को गले से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर बैक से स्टार्ट करेंगे। बैन के सेंटर और गले के सेंटर को हम थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद इसको जॉइन करेंगे।
व्यूज़ हमने यहाँ स्टार्ट से भी बैन को थोड़ा सा गले से अटैच किया है। अब हम सेंटर से सिलाई यहाँ तक इस साइड में लेके आएंगे। व्यूज़ हमने हाफ साइड को अटैच कर लिया है। अब हम सेंटर से यहाँ दूसरी साइड तक यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बैन को पिन अप करेंगे। व्यूज़ हमने बैन को अटैच कर लिया है। अब हम इस अंदर की सिलाई में इजाफी कपड़े को कट करने के बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस नेट को सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ सुई धागे से इसको हेम करेंगे। व्यूज़ हम यहाँ पे अंदर की तरफ स्टिचेस लगाएंगे ताकि स्टिचेस बाहर की तरफ दिखाई ना दें। व्यूज़ हमने बैन कॉलर को मुकम्मल रेडी करने के बाद यहाँ पे फ्रंट साइड पे बटन लगा लिए हैं और यहाँ से हमने तकरीबन इतने पार्ट को ओपन छोड़ा है, बाकी को हमने अंदर से लॉक कर दिया है। व्यूज़ इसी तरह से हमने यहाँ स्लीव्स पे भी एक एक बटन लगाए हैं। तो व्यूज़ मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये जैकेट स्टाइल शेरवानी बहुत पसंद आएगी। तो व्यूज़ इसी नेट से कुछ पीस बचे हैं जिससे हम एक खूबसूरत सा पर्स बनाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।